प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिला मुख्यालय पर राजीव गांधी स्टेडियम में सांसद अरविंद शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सलामी के बाद जिले के विभिन्न स्कूलों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश का हर व्यक्ति हाथों में तिरंगा लेकर गर्व महसूस कर रहा है। इस आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। आजादी के बाद जो वीर सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, उनको वे सैल्यूट करते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जो हमारा नारा है जय जवान जय किसान, उसमें अभी जय खिलाड़ी को भी जोड़ना होगा, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर हमारे देश का परचम लहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक की सभी सरकारों ने देश के लिए विकास के काम किए हैं, लेकिन पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाया है। जिन क्षेत्रों में अभी विकास की जरूरत है उसमें भी तेजी से काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कहना है? आज पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तिरंगे का सम्मान जो स्वतंत्रता दिवस होता है तो एक ऐसा जोश, ऐसा हर्षोल्लास हर नागरिक में आपको देखने को मिला भी होगा। हर नागरिक ने पूरे देश में तो लगाया है, हरियाणा में भी हर एक घर में हरियाणा सरकार ने, हमारी पार्टी ने, पूरे देश ने देश को तिरंगामयी किया है। और पूरे देश के नागरिकों में इतना जोश अपने तिरंगे के लिए, आपने देखा किस तरह से तिरंगे का सम्मान देशवासियों ने, 75वां अमृत महोत्सव था, आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और देश में तिरंगे का सम्मान, तिरंगा मेरी आन मेरी शान लोगों ने बहुत बढ़ाया। बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। बेरोजगारी भी है, कई मूलभूत सुविधाएं हैं, कई आदिवासी इलाकों में खाने तक की समस्या है, तो ऐसी चीजों के लिए क्या काम? देखिए, बहुत बड़ा देश है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। 130 से 135 करोड़ की आबादी का देश, इतना बड़ा देश, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा कोरोना की महामारी में देश को किस तरह से संभाला। पूरा विश्व कोरोना की महामारी से तराई तराई था, किस तरह से संभाला है। और आपने देखा भी कि विश्व में कई ऐसे देश थे जो कोरोना की महामारी की बजाय भूखमरी से, जिनको खाने के लिए नहीं मिला, ऐसे देशों में बहुत सारी कैजुअल्टियां हुई, लेकिन हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संभाला। एक सोच के साथ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया, ये सोच देश के प्रधानमंत्री की है। लेकिन हर फील्ड में अब ये जो आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, अमृत काल में हम प्रवेश करें। अमृत काल 25 साल अमृत काल का समय चलेगा, उसमें हमने देश को हर एक फील्ड में, जहां हम थोड़ा बहुत कहीं पीछे हैं, हर फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आपके योगा के क्षेत्र में, टेक्निकली आपका हर विज्ञान के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, बुजुर्गों के हर एक क्षेत्र में हमने और कड़ी मेहनत करके देश को विश्व का सबसे सर्वोत्तम देश बनाना। 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, बहुत सी सरकारें बनी, बहुत से प्रधानमंत्री बने, क्या आपको लगता है सभी ने देश के लिए काम किया? देखिए, ऐसा है, आज आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 75 साल में देश ने बहुत उन्नति की है, और पिछले 8 सालों में उस उन्नति की रफ्तार कई गुना बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई गुना बढ़ी है हर एक फील्ड में। आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, बिजली के क्षेत्र में आप देखें, छोटा सा देखें, बिजली के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, उज्ज्वल योजना के क्षेत्र में, आयुष्मान भारत,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आज देश के हर गांव में हर अंतिम छोर के पास बिजली है। आपने देखा 1.5 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन की लाइन जो है 2014 के बाद बिछी है। आज देश को ही नहीं बल्कि हम तैयार हैं, अपने देश को तो 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं और विदेशों में भी हम बिजली देने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखो कितनी ज़बरदस्त हमने उन्नति की है। आज अगर 61 मेडल जो है देश ने लिए तो उसमें हरियाणा का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हर फील्ड में देश के साथ साथ हरियाणा भी हर एक फील्ड में बहुत उन्नति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हरियाणा सरकार के नेतृत्व में हर एक फील्ड में हरियाणा भी बहुत अच्छी उन्नति कर रहा है। आप देखें एक ऐसी पहल हरियाणा सरकार ने की है कि परिवार पहचान पत्र PPP, उसके जरिए से जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। इस परिवार पहचान पत्र पोर्टल के जरिए से किसी भी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचेगा। एक ऐसी योजना हरियाणा सरकार ने दी। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से ब्यूरो रिपोर्ट।